हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू अवर चैनल रजनी जाखड़ व्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और पापा आज जा रहे हैं गाँव, मतलब ननियाल जाने वाले, क्योंकि आज मेरे गाँव से सब लोग जाएंगे मेरे ननियाल बैठने के लिए, तो ऑब्वियसली पापा का होना भी ज़रूरी है साथ में। मैं आ जाऊँ आपके साथ सोने के लिए? मुझे नींद आ रही है, मुझे आत हो रही है। छोना है तो छो ही ना, पूरी रात सोई, अब कितना सोओगे? चाय बन रही है, नाश्ता बन रहा है, दूध गर्म हो रहा है, आओ ना। मैं फिर किसी के लिए नहीं बनाऊंगी। और आपको पता है नानू गांव चले गए हैं। ओ नो, नानू गांव गए। मामा को लेके आने के लिए? किसको? नानी को। हाँ, आपके नानू नानी को लेके आएंगे, बहुत मिस कर रहे हो नानी को, है ना? नानी को लेके आ जाएंगे। 2 days में आ जाएंगे। ड्राइव करनी पड़ेगी? नहीं, ड्राइव तो इतनी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अभी नानी को वहाँ पे 2 दिन और लग जाएंगे। ड्राइव तो अब क्या कर रहे हो? मैंने आपको ब्रेकफास्ट दिया, ब्रेकफास्ट करो ना। खाने पे ध्यान दो। हम खाने पे ध्यान दे रहे। बिल्कुल, पूरा खाने पे ध्यान दो, ठीक है? और किसी को चाहिए पराठा? नो वन, नो, ठीक है, मैं मेरे लिए बना दो। ओके, आँख पे नहीं मारना, ठीक है ना? गन है ना, आँख पे मत मारना, ठीक है? इधर उधर आंगन पे मार देना। कहाँ रखना है? एक दूसरे को नहीं मारना, ठीक है ना? बिल्कुल, वरना आइस पे लग जाएगी। हम दोनों तो समझदार हैं। अच्छा, आप दोनों समझदार हो, तो इनको पहले सुला देते हैं। चलो सुला दो। ठंडे ठंडे आंगन में क्यों बैठे हो? चलो आंटी पोछा लगा देना, फिर आप ना बिछा के बैठ जाना। ओके, हाय गाइस, तो चलिए आज आपको लेके चलते हैं हमारे घर पे। ऑलमोस्ट बन चुका है काफ़ी हद तक, लेकिन बहुत सारा काम बाकी भी है, जो भी बहुत बारीक बारीक काम होते हैं ना, वो बहुत सारे बाकी, तो अभी भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। और वैसे अभी देखो काम बंद हो ही चुका, ऑलमोस्ट स्लो हो चुका है। और ये मैंने आपको बाहर से दिखा दिया था एक बार, इसका आउटर लुक, और ये जो इसकी साइड में बैठने की जो ओटा है ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगा, मार्बल और उसके अंदर जो ब्लैक ग्रेनाइट की पट्टी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर सा लग रहा था मुझे, मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और ये है इसका रैंप और जो भी बीच की सीढ़ियाँ हैं, ताकि रैंप वैम्प में कोई चल ना पाए, कोई स्लिप होने का डर रहे, तो सीढ़ियों से आप आराम से जा सकते हैं। और ये है पार्किंग एरिया, पार्किंग एरिया है और ऊपर सीढ़ियाँ जा रही है, तो सीढ़ियों के नीचे काफ़ी जगह जगह बचती है, तो उसके नीचे सेल्फ वगैरह डलवा दी, ताकि बाहर का भी काफ़ी सारा सामान रहता है ना, छोटा मोटा, लाइक पौधे वौधे लगाओ उसका, गाड़ियों का, या फिर जूते वगैरह भी हो गए एक्स्ट्रा, तो अगर जब तक टेबल वगैरह ना बनवाए, जूते की प्रॉपर रैक ना बने, तो वहाँ पे नॉर्मल डेली रूटीन के जूते चप्पल जो भी है वो वहाँ पे रह सकता है, बाल्टी पोछा, मतलब देखो यार, जहाँ घर होता है वहाँ तो हज़ार सामान होता है, तो जितनी जगह और जितना स्टोरेज मिले उसको यूज़ कर लो, यूटिलाइज कर लो, और उतना ज़्यादा बनवा लो ताकि सामान इधर उधर बिखरा ना रहे, अपने अपने प्रॉपर जगह पे रहे। और यहाँ से अपन एंटर करेंगे, तो हम एंटर करेंगे सीधा ड्राइंग रूम में, और सामने आपको दिख रहा है टाका बना हुआ है, टाके के ऊपर सेल्फ लगी हुई है, वहाँ पे आप शाम के टाइम बैठ सकते हैं, उसके नीचे मोटर वगैरह फिट हो गया, गेट लग जाएगा ताकि बारिश वगैरह में गीली ना हो, पानी वानी से भीगे नहीं, सेफ रहेगी। तो ये है हमारा ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम के बाद आ जाता है हॉल, साइड में आ जाएगा मंदिर, एक साइड किड्स रूम है, अटैच्ड वॉशरूम है, पीछे बेडरूम है, उसका भी अटैच्ड वॉशरूम है, एक कॉमन वॉशरूम है, और किचन है, किचन के अंदर स्टोर है, पीछे वॉशिंग एरिया है जहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह लग जाएंगी, कपड़े धुल जाएंगे, तो जो भी बेसिक एक घर के अंदर जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो माइंड में रख के सारी कुछ बनाई गई। और ये हमारा मंदिर है, बहुत ही
खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम व्हाइट मार्बल लगा है इसका। हमने एक ब्लैक पट्टी भी नहीं लगवाई है ग्रेनाइट की, क्योंकि कहते हैं मंदिर वगैरह मार्बल और एकदम मार्बल के बने होने चाहिए और एकदम व्हाइट होने चाहिए, तो अच्छे लगते हैं। और ये सामने आपको दिख रहा है, ये है किड्स रूम, एंड इस तरफ है कॉमन वॉशरूम हो गया ये वाला। तो इसकी टाइल्स वगैरह मुझे काफ़ी अच्छी लगी और हमने पूरी हाइट छत तक लगा दी थी, क्योंकि सुंदर लग रही थी काफ़ी हाइट छत तक। हालांकि छत की हाइट 11 फिट है, बट ठीक है फिर भी लगा ली, अच्छी लग रही थी, लगने के बाद काफ़ी सुंदर लग रही थी। और यहाँ पे कबर्ड वगैरह बना दिए हैं और मार्बल लग गया है, घिसाई वगैरह हो चल रही है, मतलब अभी तो एक दो हाथ होने बाकी है। और ये है हॉल कह सकते हैं, डाइनिंग एरिया कह सकते हैं। और यहाँ पे इस साइड जो आपको ये दिख रहा है वुडन टेक्सचर में, ये भी हमने टाइल्स ही लगवाई है, ताकि थोड़ा सा क्या टीवी वगैरह लगाएं तो एक थोड़ा सा टीवी कैबिनेट वाला लुक आ जाए, क्योंकि पूरा फर्नीचर बनाए ना बनाए अभी तक इतना कुछ सोचा नहीं है। और ये है मेरी प्यारी सी किचन, और यहाँ पे वो भैया बैठे हैं अलमारी के अंदर, अलमारी के अंदर की जो भी सारे मार्बल है उसकी घिसाई चल रही है, छोटी वाली जो हाथ वाली मशीन आती है ना उससे। और ये किचन मेरे, मुझे घर के अंदर मेरा सबसे सबसे फेवरेट पार्ट किचन है, क्योंकि उसको मैंने बड़े दिल से बनवाया था और बहुत ही बड़ी और बहुत ही स्पेशियस बनाई है। जो भी आता है ना देखने के लिए, घर देखने के लिए, तो सब यही कहते हैं कि इतनी बड़ी किचन को क्या करोगे, इतनी बड़ी किचन क्यों बनाई है। तो यार किचन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, और सबसे ज़्यादा वक्त हमारा इसी में गुजरता है, सबसे ज़्यादा काम हम इसी के अंदर करते हैं। बेडरूम में तो क्या है, बस रात को जाके सो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे बेडरूम, किचन और जो हॉल होता है जहाँ पे हम लोग टीवी देखते हैं, बैठते हैं या खाना वाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल होती है, ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल होने वाली चीज़ है, और इनको ही सबसे ज़्यादा स्पेशियस और अच्छे से बनाना है, ताकि ये पूरी की पूरी यूटिलाइज हो जाए। और मैंने तीन चार तरफ जितना भी हो सकता है ना मैक्स टू मैक्स स्लैब देती हूँ। यहाँ पे मैंने फ्रिज के लिए भी काफ़ी बड़ी स्पेस छोड़ दी है, ताकि इन फ्यूचर का भी डबल डोर वाला जो फ्रिज आता है, डबल डोर मतलब ऊपर नीचे वाला डबल डोर नहीं, जो कि ऐसे जैसे अलमारी की जैसे नहीं खुलता, दो गेट वाला, उसको मुझे नहीं पता प्रॉपर कहते तो क्या है, लेकिन कभी वो भी लेने की इच्छा हुई तो उसके लिए भी प्रॉपर जगह तो होनी चाहिए। या फिर कभी डिश वॉशर लेने की जो इच्छा हुई तो भी हम लोग उसको पीछे की जगह, पीछे की तरफ इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अंदर बेडरूम में गई नहीं, क्योंकि वो भैया घसाई कर रहे थे और पूरे तार तार फैले पड़े थे, तो इसलिए मैं नहीं गई। और यहाँ से चलते हैं ऊपर स्टेयर्स की तरफ, और स्टेयर्स में भी हमने ऊपर जो पैर रखते हैं वहाँ पे तो मार्बल लगा दिया, और जो सामने की तरफ दिख रहा है उसमें हमने ग्रेनाइट लगाया, क्योंकि ग्रेनाइट काफ़ी ज़्यादा चिकना होता है, स्लिपरी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन थोड़ा सा दोनों में मिक्स करके हमें इसको लुक देना था, इसलिए हमने ग्रेनाइट ऐसे लगा दिया ताकि स्लिप ना हो। और ये जो बालकनी वाला एरिया ना, ये भी मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत ही स्पेशियस बालकनी है, यहाँ पे बैठ के शाम के टाइम, मतलब मैं तो जस्ट इमेजिन कर रही हूँ यार कि शाम के टाइम बैठ के कितना मज़ा आने वाला है यहाँ पे चाय वाय पीने का। और बस आसपास बनना स्टार्ट हो गए घर धमाधम, क्योंकि पहले यहाँ पे बिल्कुल इतने कम घर बने हुए थे, और जैसे ही तीन चार घर बने उसके बाद तो बैक टू बैक एक के बाद एक नया घर स्टार्ट हो ही रहा है। तो चलिए अब आपको ये वाला घर भी दिखा देते हैं, ऊपर वाला वैसे नीचे वाले का एज इट इज़ है, जैसा नीचे है वैसा ही एज इट इज़ है, कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक नीचे मंदिर बंद लिया था और यहाँ पे ऊपर ओपन मंदिर ले लिया, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी एज इट इज़ है, इतनी ही बड़ी किचन और इतने ही बड़े बेडरूम्स हैं। और यार एक बात और, हाँ कल वाले वीडियो में एक्चुअली किसी ने कमेंट किया था कि आपको इस वक्त ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, उनको भी बुरा लगेगा, आपकी बुआ ने भी तो ये सब किया है। तो यार मैं कोई पर्सनली नहीं बोल रही हूँ कि मुझे ये, हमें ये सब करना पड़ रहा था, हमें बुरा लग रहा है, मैं पूरे समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि ये चीज़ें गलत है और ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है यार, हमने तो हमेशा किया है और अपनी बहन बेटियों के लिए हमेशा ही करते ही रहेंगे, और हमारी तो इकलौती बुआ है तो हम तो बड़ा दिल चाव से करते हैं, पांच भी होती तो भगवान ने हमें इतना सक्षम बनाया कि हम पांच छह का भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन मैं एक नॉर्मल जो होता है ना, एक नॉर्मल बात समाज को देखते हुए, ऐसा नहीं होता ना कि यार हमको मिलता है तो इसका मतलब हम किसी का भी नहीं सोचे, हम तो मजे से करेंगे। मैं एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही थी कि यार ये समाज में ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, जैसे कि मृत्यु भोज होता है, वो भी देखो हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और जो नहीं कर पाता उसी को पता है कि फिर उसको समाज में कितनी जिल्लत सहनी पड़ती है, उसको हर टाइम सुनना भी पड़ता है कि दूसरों का तो खाने आ जाता है, अपने बाप का तो खर्च खाता किया नहीं। तो ये चीज़ें बहुत बेसिक है, मैं वैसे भी बैकग्राउंड मुझे पता है कि गाँव में क्या सब चीज़ होती है, क्योंकि मेरी आधी फैमिली गाँव में ही रहती है। और एक किसी ने बहुत अच्छा कमेंट और किया था कि शुरुआत हमेशा अपने से करनी चाहिए, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम पूरे समाज को नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ हम हमारे घर से ज़रूर इन चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं। मेरे एक नाना है, मेरे मम्मी के रियल ताऊ जी हैं, तो ऑब्वियसली वो सब पूरे समाज को तो नहीं बदल सकते, लेकिन वो खुद कभी भी मृत्यु भोज नहीं करते, वो कहीं पर भी मृत्यु भोज नहीं करते, कभी भी कोई भी बाल विवाह में वो खाना नहीं खाते, वो जाते भी नहीं है, पहली बात तो ये है। तो ऑब्वियसली उन्होंने ये सारी चीज़ें इनिशिएट किए, तो बहुत ही अच्छा लगता है।
और यार ये तो कुछ भी नहीं है जो ये समाज में कपड़े वपड़े करना, क्योंकि ये तो चलो बाहर आदमी लोग करते हैं तो औरतें को अंदर इतना पता भी नहीं चलता है, इतना फील भी नहीं होता है। लेकिन जैसे कि अभी मेरी मम्मी के पास पर्सनली सब लोग बैठने के लिए आएंगे जो भी मेरे गांव से लोग हैं, तो तब भी उनको एक एक को ड्रेसेस करनी पड़ती है। ठीक है, मेरी नानी के टाइम भी मम्मी ने की, और मेरी भुआ ने भी अपनी, मेरी दादी के टाइम भी यानी अपनी माँ के टाइम भी सबको की, तो वो चीज़ें बहुत गलत होती है क्योंकि वो उनको अपने हाथ से करनी पड़ती है और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फील होती है। एंड ऑब्वियसली इस बार मैं 110% मम्मी को ये चीज़ नहीं करने दूंगी, क्योंकि मम्मी को किसी भी बात की कोई खुशी नहीं है कि वो जो भी उनके पास दुख व्यक्त करने के लिए आए और उनको वापस जाते टाइम कपड़े करें। कपड़े करने का बहुत मौके आते हैं, होली, दिवाली, वार त्योहार, मैं तो कहूँ ऐसे भी बिना कोई वार त्योहार भी आते हैं तो करके ही भेजते हैं हर किसी को, लेकिन ये कोई वक्त नहीं है कि आप किसी को कपड़े करो या ड्रेसेस करो। और किस मन से कर रहा होगा अगला इंसान, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकती कि क्यों करते और आगे ले जाने वाले भी क्यों लेके जाते हैं। तो ये चीज़ें, और ऑब्वियसली मैं खुद से ही शुरुआत करेंगे, अपने घर से ही शुरुआत करेंगे, और ऑब्वियसली मैं मम्मी को बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। अगर मम्मी कहेगी भी कि नहीं अच्छा नहीं लगेगा, ये लोग बाहर जाके बोलेंगे, तो छो बोलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब क्या बोलेंगे, कि हम किसी के भाई या माँ बाप चल गए उनके पास बैठने के लिए, अगर उन्होंने हमें कपड़े नहीं किया तो मतलब थोड़ा तो बोलने वाले को भी शर्म आएगी, मुझे तो ऐसा लगता है। तो ऑब्वियसली शुरुआत खुद से करेंगे, और ये मृत्यु भोज, ये बाल विवाह, सारी चीज़ें ही बंद होनी चाहिए। मैं कोई पर्टिकुलर अपना नहीं कह रही हूँ, जो कि आप कमेंट करके कह रहे हो कि आपको किया है तो आपकी बुआ ने भी किया है, ऑब्वियसली किया है, उनको भी बुरा लगा होगा, हमें भी लगा है कि ऐसे वक्त में ये सब चीज़ें करना, क्योंकि आप मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा इस टाइम डिस्टर्ब होते हैं। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हैं चैनल पर।